नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक एसएससी की यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया हूं इतिहास के 300 प्लस क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह इसका पार्ट 4 है और मैं आपको लगातार इसका पार्ट लाता रहूंगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। वहां से आपको ढेर सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे। इसका लिंक नीचे दिया गया है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है ज्ञान, प्रज्ञता, बुद्धिमत्ता, पास बैठना, सरसर पाठ पठन। इसका जो राइट आंसर है वह है नंबर 3, पास बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। इस प्रकार उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, इसलिए उन्हें वेदांत भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऋग्वेद में, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका जो राइट आंसर है वह है नंबर 2, सामवेद। भारतीय संगीत की उत्पत्ति मूल रूप से सामवेद से हुई है। सामवेद में साम का अर्थ गान है। इसकी रचाओं का ज्ञान करने वाले ब्रह्माणों को उद्गृत कहते हैं। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं। वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यह 3 शाखाओं में विभक्त है, कौयुम, राणानीय, जैमिनीय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु, दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वह है नंबर 3, सप्त सिंधु। चलिए इससे जुड़े कुछ डिटेल जान लेते हैं। वह क्षेत्र जहाँ लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्यों ने अपने निवास स्थान के रूप में अपनाया सप्तनिंदु, 7 नदियों का क्षेत्र कहलाया। इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त भी कहा जाता है। बाद में आर्य वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के दौरान सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों की ओर निवास के लिए अग्रसर हुए। इस क्षेत्र को आर्यवर्त के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल यहाँ स्थित है। गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान, हरियाणा। इसका जो राइट आंसर है वह है नंबर 1, यानी गुजरात। लोथल गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। यह अहमदाबाद जिले के ठोलका तालुक से सर्गवाला ग्राम के नज़दीक स्थित है। लोथल का निकटतम नगर ढोलका और बगौदरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? बांग्लादेश, भूटान, चीन, पाकिस्तान। इसका जो राइट आंसर है वह है नंबर 4, यानी पाकिस्तान। चलिए इससे जुड़े कुछ डिटेल जान लेते हैं। फरवरी 2014 में सिंध सरकार पाकिस्तान इस्लामाबाद से प्रार्थना की कि वे प्रसिद्ध स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल लौटाने के लिए भारत सरकार से बातचीत करें। यह स्टैचू 1946 में भारत सरकार के अधीन है। 2500 ईसा पूर्व निर्मित 10.8 सेमी लंबी कांसे की यह मूर्ति नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी। इसका जो राइट आंसर है वह है नंबर 1, यानी कृषि। चलिए इससे जुड़े कुछ डिटेल जान लेते हैं। अधिकांश समकालीन सभ्यताओं के समान कृषि सिंधु इंडस अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। लोग लकड़ी से बने हलों का प्रयोग करते थे। जौ और गेहूं मुख्य भोजन फसलें थी। कृषि पर आधारित होने के कारण कई क्षेत्र शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित होने लगे। स्रोत जेम्स पी स्टोबाग, कृत स्टडीज इन वर्ल्ड हिस्ट्री वॉल्यूम 1। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है ज्ञान, प्रज्ञता, बुद्धिमता, पास बैठना, सरोसर पाठ पठन। इसका जो राइट आंसर है वह है नंबर 3, पास पठन। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विधि को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। इस प्रकार उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, इसलिए उन्हें वेदांत भी कहा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, अगस्त्य,
विश्वामित्र। इसका जो राइट आंसर है वह है नंबर 3 यानी अगस्त। चलिए इससे जुड़े कुछ डिटेल जानते हैं। अगस्त मुनि को परंपरागत भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। वे दक्षिण भारत के आर्यों से संबंधित थे। दक्षिण भारत के यादवों को प्रथम आर्य कहा जाता है। अगस्त मुनि ने सर्वप्रथम तमिल भाषा में व्याकरण की रचना की थी जिसे अगथियम के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका जो राइट आंसर है वह है नंबर 2 यानी सामवेद। भारतीय संगीत की उत्पत्ति मूल रूप से सामवेद से हुई है। सामवेद का साम अर्थ यानी गान, इसकी ऋचाओं का गान करने वाले ब्राह्मणों को उद्गृत कहते हैं। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं। वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यह 3 शाखाओं में विभक्त है, कौयूं, राणानीय, जैमिनी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियाई सभ्यता, मिस्री सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह है नंबर 1 सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली समृद्ध सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। सामान्यतः 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व के मध्य विकसित यह विश्व की सबसे प्राचीन 3 सभ्यताओं मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी में से एक थी। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, हड़प्पा। इसका जो राइट आंसर है वह है नंबर 4 हड़प्पा। हड़प्पा एक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है। रावी नदी के पूर्व बहाव के निकट स्थित एक आधुनिक गांव के नाम पर इस स्थल का नाम रखा गया है। हड़प्पा कांस्य युगीन किलेबंद शहर का अवशेष है जो सिंध और पंजाब के मध्य में केंद्रित सिंधु घाटी सभ्यता और समेंट्री एच संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण, ऋग्वेद। इसका जो राइट आंसर है वह है नंबर 3 यानी विष्णु पुराण। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दूसरी ओर विष्णु पुराण हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है जो 18 महापुराणों से एक है। इसे पुराण रत्न की संज्ञा दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा। इसका जो राइट आंसर है वह है नंबर 4 यानी मालवा। पश्चिमी भारत में अवंतिका जनपद प्रमुख थी। आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश के कुछ भागों मिलकर अवंतिका जनपद बना था। प्राचीन समय में अवंती के 2 भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के समय में महाराजा चंड प्रघोर अवंती के राजा थे। अवंती बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, सीमुख। इसका जो राइट आंसर है वह है नंबर 2 यानी अजातशत्रु। प्राचीन भारत में मगध का राजा अजातशत्रु हर्यक वंश था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता महाराज बिंबिसार 508 से लेकर 491 ईसा पूर्व की हत्या की थी। अजातशत्रु को पितृहीनता भी कहा जाता है जबकि बिंदुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था तथा उत्तराधिकारी था। बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, ऋषभ। इसका जो राइट आंसर है वह है नंबर 4 यानी ऋषभ।
चलिए इससे जुड़े कुछ डिटेल जान लेते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किंतु कुछ जैन अनुयायी प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक मानते हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्व, चंद्रप्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांश, वत्सपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिर्नाथ, कुंथनाथ, अहरनाथ, मल्लिकानाथ, मुनिसुव्रतनाथ, नेमीनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।